बतावा भाई साहब, आपके भी माधवपुर में अच्छा खासा जायदाद होके का? खाली माधवपुर का है बहन जी, आपके पूरा जिला में हमार प्रॉपर्टी बा। और यहाँ आपके गांव के पास वाला सारा जायदाद अपन बेटी के देवे वाला वानी। ये तो बहुत ही अच्छा बात बा भाई साहब, अगर ऐसे बात है चट मंगनी पट ब्याह कर लेत बानी। काहे? हाँ देवर जी, आज पंडित जी के बुलवाई के मुहूर्त निकलवाई। हाँ हाँ बिल्कुल, आज बात कर देता नहीं पंडित जी से फिर? ये सब तो ठीक बा, अब बाकी एक बार बिशु जी के अपन आँख से देख लेती हम लोग, तनी आँख ठंडा जाती हमार। से तो बा, वो का बा बिशु जी बा ना, बड़की बहुरिया के बाजार दिखावे ले गए बड़े, आवे में बहुत देर हो जाए। अरे तो कौनो बात नहीं के बहन जी, हम भी फुर्सत से बानी, इंतजार कर ले हम। ली नाश्ता करी। अरे देखिए अपन बिशु के फोन भी आ गए, हम बतिया देता नहीं। हाँ हेलो, हाँ हाँ बिशु, हाँ बोला बोला बोला। अरे हम कहता नहीं भैया कि का पूरा बाजार भोजी के खरीदवा देबा का भाई? अरे अरे अरे, अच्छा 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 अच्छा, कोनो बड़ा समस्या तो ना बना? हाँ ठीक बा, तू देखा हम हाँ हाँ ठीक बा ठीक बा। देवर जी का भइल, का करल बा? रागनी के अम्मा बाड़ी ना बीना जी, उनकर तबियत खराब हो गेल बा, अब बिशु रागनी के लेके उनके अम्मा के घरे चल गेल बा। अब कह रहल बा कि समय लगी, मतलब रात भी हो सकेला। अरे बाप रे, अब का कहल जाई? अब चौहान साहब जे ऊपर रात रुक कर इंतजार तो ना कर सकी है ना बिशु के? अरे कौन बात के बहन जी, आज न तो कल बिशु जी से मुलाकात होबे करी। हमारा इजाजत दी, हम चला था। विशु बैठिए बैठिए, ऐसे कैसे जाइए आप? हाँ कल जन्माष्टमी जी रहा तो प्रसाद तो लेके जाई। हाँ दुलरिया जा, तेरे प्रसाद लेके आवा जा। हाँ हाँ हम लेके आवा तानी, कहे कि भगवान की मर्जी से तो सब हो रहल बा। ओ का बा, पूरा रात ना सही, तनी देर तक हमरा साथ बैठे ही सकेले ना? बैठी हे भगवान, ये विशु कहीं यहाँ आके बवाल न कर दे, इकरा मती पलटती भगवान। हाई ली प्रसादी है भगवान के आई। अब भगवान के प्रसाद खा लेनी तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझी। अगर विशु यहाँ आ जा तो सब गुड़ गोबर हो जात। आवा बहुरिया। ब्रिजबान बाबू, आप जल्द से जल्द पंडित से मिली और अच्छा सा मुहूर्त निकलवाई, ये शुभ काम में विलम्ब ठीक नहीं किए आप। हाँ कैसे बात कर रहल बाड़े भाई साहब, आपसे ज्यादा जल्दबाजी तो हम के बा।
हम तो चाहत बानी कि शांति बिटिया जल्द से जल्द घर के बहुरिया बन के आ जाए बस। अरे बहन जी, अब तो ये आपके ही अमानत बाड़ी, जब चाहे ले आई। हाँ वो तो बा। अच्छा अब आदेश दीजिए। आई हम आपके गाड़ी तक छोड़ दी। फुआ किस्मत अच्छा बताहर बाकी सनिचर के का करबू। आज ही घर में सुनामी आके ही रही। ये हमार बड़के भैया। नमस्ते भैया। ये सुरेंद्र चौहान जी हमार मित्र। हम इनके गाड़ी तक छोड़ के आवत हैं। दिमाग तो ठीक बना आपके हैं? ये कहाँ चलत रहे यहाँ? विशु के विवाह करवावे खातिर आप लड़की वाला के बुलाओ तनी घर में? एकदम पगला गेल बानी का? और तू विश्वान, ये पागलपन में कराए रोके के बजाय इनका साथ दे रहल वाला। अरे विशु बेटा के दूसर विवाह करवावे के अभी हम सोच भी कैसे सकता नहीं। काहे आप विशु के शादी के खातिर सोच सकेले, हम ना सोच सकेले? आप करवाई के लायल रहे ना विशु के ब्याह उस सृष्टि के साथ, का अंजाम भइल उस शादी के? हाँ अरे हमार बेटा के मुंह पे तमाचा मार ले ब्याह तलाक के। अरे ओकरा दोसर ब्याह करवा के हम थोड़े से खुशी अगर विशु खातिर बटोरे चाहत बानी तो एकरा में गलत का बा? आप शायद भूल रहल बानी श्रीमती जी, तलाक भई नहीं है, तलाक के खाली नोटिस देले बिया सृष्टि बहू। अरे ऐसा में हमने सब के मिल के वो रिश्ता के बचावे के कोशिश करे के चाहिए। और आप, अरे कब्बो तो समझी चीज के, तलाक के नोटिस एक घर पे अवल एक आपदा बा। विशु के दूसर विवाह करवावे के मौका ना। हम भी विशु के माँ बानी, ओकरा दर्द हम समझ सकेले।